आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद शर्करा है और इसे परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हमारे पास सभी पौधों में स्टार्च में, प्रोटीन में, विटामिन में और शायद ही कभी किसी और में। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। यह पादप के हरे भागों में पाए जाने वाली अति आवश्यक जैव रासायनिक क्रिया है। तो स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, वातावरणीय सीओ टू को एब्जॉर्ब किया जाता है पादपों के द्वारा, अवशोषित किया जाता है और भूमि से प्राप्त किया जाता है जल अर्थात H2O। और इसे क्या किया जाता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां पर लिख लेते हैं सौर ऊर्जा को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो किसके पास होती है स्टूडेंट्स, ये क्षमता होती है स्टूडेंट क्लोरोफिल के पास। तो मैं यहां लिख लेता हूं क्लोरोफिल, जो हरे रंग का एक वर्णक है और यह क्या करता है, सौर ऊर्जा या सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्या किया जाएगा, जो वातावरणीय सीओ टू को अवशोषित किया है और जल जो कि भूमि से अवशोषित किया गया है, इनको किसमें बदल दिया जाता है स्टूडेंट, इसको बदल दिया जाता है सीओ टू के अपचयन के द्वारा ग्लूकोज के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्यतः ग्लूकोज है और स्टूडेंट इसके साथ बाय प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है जो कि प्राणवायु के रूप में काम में ली जाती है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ग्लूकोज जो है यह एक शर्करा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है एक शर्करा जो कि मोनोसैकेराइड है। और इस शर्करा का आगे क्या होता है, यहाँ पर यही पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद शर्करा है, तो ये देख सकते हो आप ये शर्करा है और शर्करा का आगे की ओर क्या किया जाएगा स्टूडेंट, इसे सुक्रोज में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको सुक्रोज, ये तो है मोनोसैकेराइड और फिर इसे डाइसैकेराइड में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, दो अणु ग्लूकोज के मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं और फिर इसका बहुलकीकरण हो जाता है स्टूडेंट, और इसके बहुलकीकरण से सुक्रोज जो है वो किसमें बदल जाती है, ये स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। और यही जो क्या कहते हैं कि पादपों के अंदर जो संग्रहित भोजन है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि पादपों में संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो किस रूप में होता है स्टूडेंट, ये होता है स्टार्च के रूप में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्राणी है उनके अंदर संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, वो भी क्या होता है, जंतु स्टार्च है। तो पादपों के अंदर यह स्टार्च के रूप में होता है जो कि ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर, बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर स्टार्च का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए में दिया हुआ है सभी पौधों में स्टार्च में, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, सभी पौधों में जो ग्लूकोज है वो मिलकर किसका निर्माण करेगी, सुक्रोज और फिर स्टार्च का अंतिम रूप जो है क्या होगा, स्टार्च होगा जो कि पादप में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा देख लेते हैं प्रोटीन में, तो स्टूडेंट यह है बिल्कुल गलत उत्तर होगा, तो प्रोटीन में नहीं होता ये। और ऑप्शन सी है हमारे पास विटामिन में, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है शायद ही कभी किसी और में, तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।